नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका लर्निंग में। आज हम जानेंगे विवाह में जो सामग्री लगती है, पूजा की सामग्री, उसके विषय में, यानी विवाह की जो सामग्री है वह क्या क्या लगती है। ये पुस्तक है विवाह पद्धति, और इसका रिव्यू आप प्ले लिस्ट में जाकर पुस्तक समीक्षा पर रिव्यू में देख सकते हैं। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में जो सामग्री मैं बता रहा हूँ क्रम से, इन सामग्रियों के चित्र भी साथ में बताऊंगा, और संपूर्ण सामग्री का नाम और चित्र भी वीडियो के अंत में बताया जाएगा, जिससे आपको सामग्री समझने में आसानी होगी। तो वीडियो को बिल्कुल आराम से शुरू से और अंत तक संपूर्ण देखें। तो विवाह में आप सभी तैयारी पहले ही कर लें, इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम विवाह की सामग्री के विषय में जानेंगे। देखिए, ये रूरी है, देखिए रूरी, ये पैसे यहाँ कम लिखे हैं। आप रूरी 200 रुपये की कम से कम लें। नारा यानी आटी, अबीर यानी गुलाल, वुक्का यानी जो अबीर होता है उसे ही वुक्का लिखा है यहाँ पर। घिसा हुआ चंदन, माला 200 रुपये की, या माला 10 नग, छुट्टा फूल, तुलसी, दूबा, हल्दी की बुकनी यानी पिसी हल्दी या खड़ी हल्दी दोनों, धूप बत्ती 1 पैकेट, आम्र पल्लव यानी आम के पत्ते, समीपत्र, पान छुट्टा 10, सुपारी 25, ऋतुफल पेड़ा 250 ग्राम या आधी किलो, मधुपर्क, दही, मधु, घृत और दूध भी रखें साथ में थोड़ा सा, कांसे की कटोरी 2, दौनिया, लोहे का छल्ला 1, यज्ञोपवीत 5 जोड़ा, सिंदूर 2 रुपये का लिखा है लेकिन आप कम से कम 10 रुपये का सिंदूर लेके रखें, चावल 1 किलो, कशूरा 10 यानी कटोरी, दिया 25, कशोरा यानी यहाँ पर कटोरा लिखा है, दिया 25, धान का लावा 250 ग्राम, सिंदूरिया 1, मोर वर के लिए तागवाट पीड़ा नया 2, वर के लिए मोर लेना है, तागवाट लेना है और पीड़ा नया लेना है 2, वस्त्र 4 वर कन्या के लिए, कलश तांबे या मिट्टी का 1, जौ 250 ग्राम। कन्यादान सामग्री, थाली 1, गुड़ुआ 1, शंख छोटा 1, आटे की लोई, हवन की सामग्री लेना ही, समिधा यानी लकड़ी, वेदी के लिए बालू, घी 500 ग्राम, कुश वर्ण सामग्री ब्राह्मणों के लिए, विवाह मंडप, मंडवा, सूप 1, सिल 1, लोड़िया 1, पूर्ण पात्र और गोबर। तो ये लगभग संपूर्ण सामग्री है। आइए अब चित्रों सहित सामग्री को जानते हैं, बिल्कुल क्रम से एक एक सामग्री का नाम लेंगे और साथ में उसका चित्र भी दिखाएंगे, देखते हैं। रूरी, ये नारा यानी आटी, अबीर यानी गुलाल, वुक्का यानी जो अबीर होता है उसे ही वुक्का लिखा है यहाँ पर, घिसा हुआ चंदन, माला 200 रुपये की, या माला 10 नग, छुट्टा फूल, तुलसी, दूबा, हल्दी की बुकनी यानी पिसी हल्दी या खड़ी हल्दी दोनों, धूप बत्ती 1 पैकेट, आम्र पल्लव यानी आम के पत्ते, समीपत्र, पान छुट्टा 10, सुपारी 25, ऋतुफल पेड़ा 250 ग्राम या आधी किलो, मधुपर्क, दही, मधु, घृत और दूध भी रखें साथ में थोड़ा सा, कांसे की कटोरी 2, दौनिया, लोहे का छल्ला 1, यज्ञोपवीत 5 जोड़ा, सिंदूर 2 रुपये का लिखा है लेकिन आप कम से कम 10 रुपये का सिंदूर लेके रखें, चावल 1 किलो, कशूरा 10 यानी कटोरी, दिया 25, कशोरा यानी यहाँ पर कटोरा लिखा है, दिया 25, धान का लावा 250 ग्राम, सिंदूरिया 1, मोर वर के लिए तागवाट पीड़ा नया 2, वर के लिए मोर लेना है, तागवाट लेना है और पीड़ा नया लेना है 2, वस्त्र 4 वर कन्या के लिए, कलश तांबे या मिट्टी का 1,
जौ 250 ग्राम। कन्यादान सामग्री: थाली 1, गुड़ुआ 1, शंख छोटा 1, आटे की लोई। हवन की सामग्री लेना ही: समिधा यानी लकड़ी, वेदी के लिए बालू, घी 500 ग्राम, कुश। वर्ण सामग्री ब्राह्मणों के लिए: विवाह मंडप, मंडवा, शूप 1, सिल 1, लोड़िया 1, पूर्ण पात्र और गोबर। तो ये आप विवाह से एक दिन पहले ही सब व्यवस्थाएं करके रख लें, क्योंकि उस टाइम पे समय नहीं मिलता है, उस समय आपको सामान नहीं मिलेगा, ना ही आप इकट्ठा कर पाएंगी। तो ये सभी सामान एक दिन पहले ही एकत्रित करके रख लें, जिससे विवाह के समय पर जो भी वस्तुओं की ज़रूरत हो आप तुरंत उसे उठाकर दे दें। तो ये सभी सामान यहाँ पर लिखा है, मुख्य मुख्य सामान लिखा है, और भी थोड़ा मोड़ा सामान लगता है, उसे आप पंडित जी से पूछ कर रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करें आप विवाह के कौन सी रस्म के बारे में जानना चाहती हैं, तो उसके लिए सविधि रूप से अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी। धन्यवाद।